उत्तराखंड में कोरोना के आज 164 नए मामले सामने आए, जबकि आज उत्तराखंड में कोरोना से दो मरीजों की मौत हो गई। वहीं आज उत्तराखंड में कोरोना से 272 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज अल्मोड़ा में 7, बागेश्वर में 4, चमोली में 5, चंपावत में 4, देहरादून में 41, हरिद्वार में 21, नैनीताल में 17, पौड़ी में 4, पिथौरागढ़ में 40, रुद्रप्रयाग में 60, टिहरी में 6, उधम सिंह नगर में 5, उत्तरकाशी में 3 कोरोना के नए मामले सामने आए। इससे उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 3,39,537 हो गई है, जबकि इनमें से 2,510 एक्टिव केस हैं। वहीं कुल मौतें 7,086 पहुंच गए हैं। ब्लैक फंगस से अब तक 90 मरीजों की मौत, संक्रमितों की संख्या पहुंची 486। तो उत्तराखंड में कोरोना पर तो काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन ब्लैक फंगस चिंता का विषय बना हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार उत्तराखंड में अब तक ब्लैक फंगस के 486 मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही राज्य में अब तक ब्लैक फंगस से 90 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं बड़ी खबर आई है, फर्जी MBBS डॉक्टर गिरफ्तार, भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद। तो हरिद्वार से खबर आई है, हरिद्वार के लक्सर से बड़ी खबर आई है। जी हां, बता दें कि ड्रग्स इंस्पेक्टर अनिता भारती ने लक्सर पथरी थाना क्षेत्र के घिसुपुरा में एक मेडिकल स्टोर में अचानक छापेमारी की। छापेमारी में जो सच सबके सामने आया वह सबको हैरान कर देने वाला है। बाहर किसी MBBS डॉक्टर घर का बोर्ड और अंदर कोई राजकुमार चटर्जी डॉक्टर बनकर लोगों को दवाई दे रहे थे। केवल यही नहीं, उनके पास से 1,000 प्रतिबंधित नशीली दवाएँ भी मिली हैं। वहीं खबर आई है, काशीपुर से नाबालिग से शादी करने पर दूल्हे समेत 4 गिरफ्तार, 2 फरार। तो कुंडा थाना क्षेत्र में बाल विवाह अधिनियम का उल्लंघन कर नाबालिग लड़की का विवाह करना वर और वधु पक्ष को महंगा पड़ गया। नाबालिग की शादी में पुलिस ने छापेमारी कर वर वधु के पक्ष के 6 लोगों के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं खबर है, हल्द्वानी से कोसी नदी में डूबने से युवक की मौत, SDRF को नहीं मिला शव। तो आए दिन नदी में डूबने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसी घटना शनिवार को हल्द्वानी के हल्दूचौड़ के कुछ युवक कोसी नदी में नहाने चले गए। नदी में नहाते समय एक युवक की डूबने से मौत हो गई। बागेश्वर पहुंचे पूर्व CM त्रिवेंद्र, कांग्रेस पर साधा निशाना। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने कुमाऊं दौर पर बागेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का सीनियर लीडर हूं, मैं पार्टी का प्रचार करने आया हूं। गुलदार रेस्क्यू मामले में प्रमुख वन संरक्षक ने तलब की रिपोर्ट, लोगों ने बरसाए थे लाठी डंडे। तो डोईवाला के रियासी इलाकों में घुसे गुलदार को वन विभाग की टीम ने बमुश्किल रेस्क्यू कर लिया, लेकिन इस पूरे रेस्क्यू अभियान को लेकर के विभाग पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। इतना ही नहीं, रेस्क्यू के दौरान लोगों ने गुलदार पर लाठी डंडे बरसाए थे। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए प्रमुख वन संरक्षक ने रिपोर्ट तलब की है। HNBGO गढ़वाल विश्वविद्यालय की परीक्षाएं जल्द कराने की मांग, छात्रों को सता रही भविष्य की चिंता। तो HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय की छात्राओं को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। कोरोना महामारी के चलते परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं, ऐसे में छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। वहीं खबर आई है, गुप्त खाल ट्रैक पूरा करने पर राहुल का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज। तो सीमांत जनपद चमोली के पांडुकेश्वर निवासी और माउंटेन ट्रैक्स के CEO राहुल मेहता को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने गुप्त खाल ट्रैक 5,830 मीटर करने पर सम्मानित किया। राहुल मेहता ने गुप्त खाल ट्रैक को बिना गाइड के पूरा किया, जिसके लिए उन्हें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है। पिथौरागढ़ में बारिश का कहर, दर्जनों गांव का टूटा संपर्क, एक की मौत। तो जिले में बीते दिनों हुई बारिश के चलते जहां दर्जनों सड़कें बंद हैं, वहीं कईयों के आशियाने जमोदोस हो गए हैं। यही नहीं, पैदल रास्तों और पुलों के टूटने से कई गांवों के लोग कैद हो गए हैं। ऐसे में लोग को कहीं जाने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ रहा है। फिलहाल लिपुलेक बॉर्डर के 7 और दारमा घाटी के 1 दर्जन गाँवों से संपर्क पूरी तरह से कट गया है। उत्तराखंड से बड़ी खबर आई है, हाईकोर्ट ने कहा क्यों ना वित्त और परिवहन सचिव का वेतन रोक दिया जाए। तो रोडवेज कर्मचारियों को वेतन नहीं दिए जाने को लेकर के दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार और अधिकारियों पर सख्त टिप्पणी की है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्पेशल बेंच ने रोडवेज कर्मचारियों की 5 माह के वेतन के मामले में शनिवार अवकाश के बावजूद सुनवाई की। कोर्ट ने मुख्यमंत्री से 28 जून को कैबिनेट बैठक कर रोडवेज कर्मचारियों की सैलरी भुगतान कर निर्णय लेने की रिक्वेस्ट की है। साथ ही मुख्य सचिव ओम प्रकाश को आदेश दिया है कि कैबिनेट की बैठक के निर्णय को 29 जून को कोर्ट के सामने पेश करें। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस कोर्ट
ने टिप्पणी की कि क्यों ना रोडवेज कर्मचारियों की तनख्वाहें जारी होने तक राज्य के वित्त और परिवहन सचिव के वेतन पर रोक लगा दी जाए। सरकार को कहा कि चारधाम के लिए कैबिनेट बैठक कर ली, लेकिन चारधाम यात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण कर्मचारियों की सैलरी है। सरकार पर सख्ती दिखाते हुए कोर्ट ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के मौलिक व संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है। सरकार ने अपने बचाव में फरवरी से अब तक 68 करोड़ की देनदार पर कहा कि सरकार ने 23 करोड़ जारी किए, जिस पर कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखी। कोर्ट ने इसे ऊंट के मुंह में जीरा बताया।